प्रयागराज में हुए उमेश पाल मर्डर केस के एक संदिग्ध आरोपी की पुलिस मुठभेड़ में हुई मौत। यूपी पुलिस की मुठभेड़ में आरोपी अरबाज की गोली लगने से मौत हो गई। आपको बता दें, प्रयागराज के नेहरू पार्क में यूपी पुलिस से बदमाशों की मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस ने अरबाज को मार गिराया। गोली लगने के बाद घायल हालत में बदमाश को स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में भेजा गया, जहां पर उसकी मौत हो गई। हालांकि इस दौरान बाकी बदमाश भागने में सफल रहे। आरोपी अरबाज अतीक अहमद का करीबी बताया जा रहा है। इस इनकाउंटर को लेकर यूपी पुलिस के एडीजीपी प्रशांत कुमार ने क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। 24 फरवरी 2023 के सायंकाल उमेश पाल, जो कि 2005 के राजू पाल विधायक हत्याकांड का गवाह थे, उनकी बर्बर हत्या गाड़ी सवार बदमाशों ने असलाह एवं बम इत्यादि चलाकर की थी। इस हत्याकांड में पूरे प्रदेश को दहला दिया था। सरकार की तरफ से विधानसभा के पटल पे सभी अपराधियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के का आश्वासन भी दिया गया था, तथा उसी अनुरूप पुलिस को इन सभी बदमाशों को कानून के दायरे में लाने के लिए निर्देश मिले थे। इसी क्रम में आज प्रयागराज जनपद के धूमनगंज थाना क्षेत्र में एक मुठभेड़ हुई, जिसमें कि उस घटना में सम्मिलित अरबाज पुत्र अफा, जो कि मल्लापुर थानापुरा मुफ्ती प्रयागराज का रहने वाला है, पहले घायल हुआ, तथा इसके पास से 32 बोर की पिस्टल बरामद हुई है। इस पे आरोप है कि घटना के दिन जो क्रेटा गाड़ी इस्तेमाल हुई थी, उसका यह ड्राइवर था, तथा उस दिन इसके द्वारा फायरिंग भी की गई थी। जब उपचार हेतु अस्पताल लाया गया, उस दौरान जो अभी तक की प्राप्त सूचना है उसके हिसाब से इसके मृत होने की समाचार प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश शासन और उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा सभी ऐसे पेशेवर माफिया एवं गैंगस्टर लोगों के खिलाफ एक अभियान छेड़ा गया है, और ऐसे शातिर और पेशेवर व्यक्तियों को संरक्षण देने वालों के विरुद्ध भी धारा 120 बी के तहत कार्रवाई की जाएगी। जो लोग भी ऐसे लोगों को पनाह देंगे, संरक्षण देंगे, वो इनके कृत्य में भागीदार होंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस सबसे अपील करती है कि अगर कोई भी व्यक्ति आपसे संरक्षण मांगे, जो कि गलत व्यक्ति है, तो इसकी तत्काल सूचना स्थानीय पुलिस को दे। आपका नाम गोपनीय रखा जाएगा। साथ ही साथ पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के द्वारा स्थानीय अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि इस अपराध में लिप्त सभी व्यक्तियों को जल्द से जल्द कानून के दायरे में लाया जाए, इन पर इनाम घोषित किया जाए और इनाम की राशि विभिन्न स्तरों पर बढ़ाई जाए। अगर आवश्यक है तो मुख्यालय स्तर से भी इस पर इनाम घोषित किया जाएगा, और अगर कोई प्राइवेट व्यक्ति इसकी सूचना देता है तो
इनाम की राशि उस प्राइवेट व्यक्ति को भी दी जाएगी। उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के क्रम में अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति आगे भी कायम रहेगी और कानून हाथ में लेने वाले अपराधियों को किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जाएगा। धन्यवाद।